मंदसौर कोतवाली पुलिस ने शहर में घूमकर आज रविवार को कोरोना कर्फ्यू का बेवजह घूमने वाले लोगों को कराया पालन। लगवाई कान पकड़कर उठक बैठक, उसके पहले पुलिस ने सिखाया डंडों से सबक। और बेवजह घूमने वालों को कोतवाली लेकर गई पुलिस की जाएगी धारा 188 की कार्रवाई। पुलिस अधिकारी वर्षीय कटारा द्वारा बताया गया मंदसौर अभिनंदन गोल चौराहा गीता भवन रोड पर पुलिस द्वारा आज जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे थे उन लोगों को सबक सिखाया गया है, क्योंकि तेजी से मंदसौर जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उसी को देखते हुए अब पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है और ऐसे लोगों पर अब कठोर कार्रवाई भी करने लगा है, जो कि आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। पहले पुलिस सभी लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही थी, पर अब पुलिस बिना डंडे के तो बात भी नहीं कर रही है। उसके बाद कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई जा रही है, पर लोग भी है जो समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए प्रशासन को भी मजबूर होकर उनके ऊपर डंडे चलाना पड़ रहा है। और पुलिस अधिकारी वर्षीय कटारा द्वारा कहा गया कि बेवजह घूमने वाले लोगों को सजा दी जा रही है, उसके बाद उनको थाने ले जाया जा रहा है और इन लोगों के ऊपर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अनाउंसमेंट करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं, इसीलिए अब इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी आ जा रहे हैं लोग, उनमें रोक के पूछा जा रहा है। जो वास्तव में इमरजेंसी है, जो हॉस्पिटल से संबंधित है या अति आवश्यक है, उसको पूछताछ करके छोड़ रहे हैं। बाकी जो अनावश्यक घूम रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों से तो उठक बैठक भी लगवाई और गाड़ी में भी ले गए। हाँ, उठक बैठक भी लगवाई, कुछ थाने पर भी ले गए, जिनके खिलाफ 188 कार्रवाई की है। आपका नाम?